पाकिस्तान में पहली बार रिमोट सर्जरी का अमली मुजाहरा किया गया पी ग्रुप ने फाइव टेक्नोलॉजी टेक्नोजी का महदूद माहौल में कामयाब तजर्बा किया एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान में पहली बार पी ग्रुप ने फाइव टेक्नोलॉजी का महदूद माहौल में कामयाब तजर्बा किया और पहली बार रिमोट सर्जरी का अमली मुजाहरा किया गया इस मौका पर मेहमान खसूस वफाकी वज़ी आई टी सैद अमीन वफाकी सेकटरी आई टी शेब सिद्दीकी चेयरमैन पी मेजर जनरल रिटायर्ड आमिर अजीम बाजवा और मुतहदा अरब अमारात के सफीर हमाद उबैद इब्राहिमी भी तकरीब में शरीक थे तकरीब के शुरुआ को फाइव जी टेक्नोलॉजी पर ब्रीफिंग दी गई जबकि रिमोट सर्जरी क्लाउड गेमिंग और फाइव जी टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन का जायज़ा पेश किया गया तकरीब से ख़ता करते हुए मुतहदा अरब अमारात के सफी हमद उबैद इब्राहिमी का कहना था कि पाकिस्तान में फाइव जी टेक्नोजी का पी टी सेल का तजुर्बा खुश आइंद है मुतहदा अरब अमारात आई टी के शुबा और टेक्नोलॉजी के शुबा में ख़ास मकाम हासिल करने के लिए कोशाँ है और अरब रीजन में पहला मुल्क है जो फाइव जी टेक्नोलॉजी का तजुर्बा कर रहा है जबकि दुनिया में पाँचवा कामयाब मुल्क है जिसने मरीख का मिशन मुकम्मल किया अमाराती सफी ने कहा कि पाकिस्तान और मुतदा अरब अमारात में साइंस और टेक्नोलॉजी के शुबा में सरमाकारी के बेशुमार मौे मौजूद हैं दोनों ममालिकायदी इस बात में मुतफ़ हैं कि टेक्नोलॉजी के शुभा में ताउन बढ़ाया जाए मुस्तबिल और आने वाली नस्लों के लिए अच्छे मुआशी मौे पैदा करने के लिए इकदाम कर रहे हैं सेक्रेटरी आई टी शुएब सदीकी का कहना था कि हम डिजिटल पाकिस्तान के वी के पाबंद हैं पी टी सी एल ग्रुप का कामयाब फाइव जी तजर्बा अहम क़दम है फाइव जी टेक्नोलॉजी बहुत से शोबों में नई राहें खोलेगी